तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दलित युवक की हत्या मामले में परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। कहा, दलितों को मारने की सरकार ने खुली छूट दी हुई है। खैर, विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस लें। अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके में बीते दिनों गौरव नाम के दलित युवक की हुई हत्या के मामले में आज उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर आजाद दो टुक कहते दिखाई दिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों को मारने की खुली छूट मिली हुई है। जिस प्रकार से दलित युवक की हत्या की गई है और हत्या का आरोपी जिसे नाबालिग बताया जा रहा है, उसके द्वारा दिए गए बयान इतने शातिर हैं कि वो शातिर अपराधी प्रतीत होता है। देखिए क्या कुछ कहा भीम आर्मी चीफ ने। यहाँ के एसएसपी को और यहाँ के जिले के अधिकारियों को हमने बताए हैं, तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हजारों हजारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती संज्ञान लेगी, और अगर नहीं संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुर्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज न दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को किसी भी तरह के संरक्षण के बावजूद भी उनकी सही जगह भेजने के लिए पुरजोर ताकत से आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क की संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इतना ही नहीं, भीम आर्मी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमारी जो मांगे हैं उन सभी मांगों को हमने प्रशासन को बता दिया है, अगर उन मांगों पर आगे काम नहीं होता तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में हमारे बराबर में डीएम भी बैठेंगे और डीएम की मौजूदगी में यह आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जाएगा। हमारे साथ गर्मी में अधिकारी बैठकर धरना देंगे। अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के गाँव बहादुरगढ़ी निवासी मुकेश कुमार के बेटे गौरव का शव 3 जून को नानू नहर में मिला था। परिजनों का आरोप है कि वो अकेला घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। सरेंडर करने के बाद उसे आगरा बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। इस मामले में पुलिस ने बताया आरोपी पहले ही सुधार गृह भेज दिया गया है। इस मामले में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फरार चल रहे एक शख्स की तलाश लगातार जारी है। 31 मई को गौरव की हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ दिन बाद शव पुलिस को नहर में तैरता हुआ मिला था। पुलिस ने गौरव के परिजनों की तहरीर के आधार पर एक नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। मुकदमा दर्ज करने के कुछ दिन बाद नाबालिग आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।